सो हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू क्रिकेट मेज। IPL 2020 को BCCI ऑलरेडी इनडेफिनेट टाइम के लिए कैंसिल कर चुकी है और जो बयान IPL फ्रेंचाइज की तरफ से निकल के आ रही है उसने ये कन्फर्म किया है कि IPL अभी के लिए तो ऑन है और इसी के बाद IPL 2020 पर टीमों की तरफ से और प्लेयर्स की तरफ से रेगुलर अपडेट्स आती जा रही है। IPL 2020 पर अभी हाल फिलहाल में 3 बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस और एनालाइज करने वाले इन खबरों को। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ID आपके सामने नजर आ रही होगी। जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है CSK के शेन वॉटसन की तरफ से। तो शेन वॉटसन ने रिसेंटली CSK के सोशल मीडिया साइट्स पे एक इंटरव्यू दिया था जिस पे उन्होंने अपने फ्यूचर IPL प्लान्स को डिस्कस किया है। शेन वॉटसन ने यही बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि ये सीजन हो यानी कि IPL 2020 हो ताकि वो एक और साल CSK के लिए खेल सके। तो ये 100% कन्फर्म करता है कि CSK के साथ इनका ये लास्ट सीजन होने वाला था, इसके बाद ये CSK के लिए नहीं खेलने वाले थे और शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो रिटायरमेंट घोषित करने वाले थे और इनके लिए जो IPL 2020 है वो लास्ट सीजन होने वाला था। अगर IPL 2020 होता है तो शायद तक शेन वॉटसन अपना लास्ट IPL खेलने वाले होंगे। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो लीग खेली जाती है यानी कि बिग बैश लीग, उसे वो ऑलरेडी रिटायरमेंट घोषित कर चुके हैं और IPL को मिला के वो सिर्फ 2 या 3 लीग्स में ही अभी खेल रहे हैं और शायद तक जल्दी वो IPL से भी रिटायरमेंट घोषित करने वाले हैं। जो हमारी दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है रियान पराग की तरफ से। तो रियान पराग ने रिसेंटली क्रिक ट्रैकर को अपना इंटरव्यू दिया था, उस पर उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया था वो यही था कि उनकी फेवरेट IPL टीम कौन सी है। तो हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद राजस्थान रॉयल्स का नाम लेंगे क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम से वो खेल रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना था कि मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता हूँ, मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट टीम है। रीज़न जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि सचिन तेंदुलकर को मैं अपना आइडल मानता हूँ और इसी के वजह से मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता हूँ। वह अगर फेवरेट प्लेयर की बात करें तो उनका यही कहना था कि सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट प्लेयर है। फेवरेट फीमेल क्रिकेटर की बात करें तो उनका कहना था कि स्मृति मंधाना उनकी फेवरेट फीमेल क्रिकेटर है जिन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। फेवरेट IPL मोमेंट के लिए पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जो पहला बॉल उन्होंने IPL में खेला था वही उनका फेवरेट IPL मोमेंट है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपना पहला बॉल CSK के खिलाफ खेला था, इमरान ताहिर के खिलाफ उन्होंने बैटिंग की थी और पहले बॉल में उन्होंने चौका मार दिया था और इसी के वजह से वो उनका फेवरेट IPL मोमेंट है। और यही थे कुछ 4 से 5 इंटरेस्टिंग सवाल जो उनसे पूछे गए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब उनके तरफ से दिए गए थे। जो हमारी तीसरी न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है नीतीश राणा की तरफ से। आपको पता है कि नीतीश राणा IPL से पहले शायद तक बैन हो सकते थे, वो IPL मिस करने वाले थे और ये KKR के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होता, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उनका बयान सामने आया है IPL 2020 पर ये बयान है और ऑब्वियसली COVID-19 पर भी है। उनका यही कहना है कि सन विल राइज अगेन एंड सी यू सून KKR, यानी कि वो बहुत ही एक्साइटेड है IPL 2020 खेलने के लिए, वो चाहते हैं कि IPL 2020 हो, जो ये 100% कन्फर्म करता है कि उन पर जो डिसीजन आने वाला था बैन का वो IPL 2020 के बाद ही आने वाला है और शायद तक BCCI ने उनको इन्फॉर्म कर दिया है और ये बहुत ही अच्छी खबर KKR के लिए IPL 2020 पर निकल के आ रही है। तो ये तो थी 3 बहुत ही बड़ी अपडेट जो IPL 2020 पर भी हाल फिलहाल में निकल के आई है। तीनों खबर 3 प्लेयर से जुड़ी है, तीनों खबर को आपको बता दी है। इस वीडियो के लिए मेरी तरफ से इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।